ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब कोई चार्ट लिख करके बताए जो मैंने सात बात सवेरे बताई, याद है सबको? याद है पहली बात बताई थी, उठते ही बाबा को नमस्ते करें और बाबा के प्यार में खो जाएं। दूसरी बात बताई थी, याद है? स्वमान ले लें, यही अभ्यास जो भी कह रहा हूं, और उस अभ्यास करें सवेरे उठते। तीसरी बात बताई थी, अमृत वेला शक्तिशाली बनाना। चौथी बात बताई थी, मुरली को पूरा पूरा अच्छी तरह अध्ययन करना, मनन करना और मगन हो जाना मुरली में। पांचवी बात बताई थी कर्म योग की। यहां पर बाबा को लाइट देखें, बाबा मेरे सिर पर हैं, बाबा की छत्र छाया में चल रहा हूं, मेरा साथी। ये बड़े अच्छे पल हैं, इनको अभ्यास करें, बहुत मदद करेंगे। ये आपको अपनी करिश्तानी नहीं है, ये बड़ी योजना के बड़े पुण्य के बाद ये अवसर मिलता है। और जब उन्नति ने ठान लिया है आपके लिए, उसने प्लानिंग कर लिया है, तो आप बच के भाग नहीं सकते। आपको कर्मातीत आपको संपूर्ण बना के छोड़ेगा। आपको एक एक को बड़ा कमाल करना है। आगे आने वाले दिनों में बड़ी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, गजब का समाचार होगा, बाहर की दुनिया के विभत्स दृश्य आएंगे। और ये आने वाले देर नहीं, प्रत्यक्षता का पर्दा तो उठने वाला है, केवल आपका इंतजार चल रहा है। हमारा समय बड़ा अनमोल है, बाहर की दुनिया वालों का हो ना हो और बहुत होता है। अगर समय की कीमत पूछनी है, एक साल की कीमत पूछनी है, तो उस बच्चे से पूछो जो एक नंबर से फेल हो गया। एक नंबर से फेल होने के कारण पूरा साल भर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। एक महीने की कीमत पूछनी है, तो उस नवजात शिशु से पूछो जो 8 मास 9 मास का गर्भ में पूरा पक्का तैयार नहीं हुआ। जन्म होता है, अपाहिज बन जाता है, पूरा जीवन भर के लिए अपाहिज बन जाता है। एक मास की कीमत उस बच्चे से पूछो। एक सप्ताह की कीमत पूछनी है, तो उससे पूछो जो साप्ताहिक मैगजीन का एडिटर है। 6 दिन बीत गया और अभी तक उसकी मैगजीन तैयार नहीं, सोचता कल मैं क्या मुंह दिखाऊं, ये क्या हो गया, उसे नींद नहीं आएगी, पूछो तो सही। और एक दिन की कीमत पूछते तो तिहाड़ी के मजदूर से पूछो, जिसने बेचारा सारा दिन कमाता है तो रात को खाने को मिलता है, और आज बुखार है, बीमार है, क्या खाए, उससे पूछो। एक घंटे की कीमत पूछनी है, तो इंटरव्यू वाले से पूछो जो इंटरव्यू देने के लिए बेचारा वापस लाता है। एक मिनट की कीमत पूछनी है, तो उस फ्लाइट वाले जहां पर फ्लाइट के लिए जाते हैं या ट्रेन के लिए जाते हैं, फर्स्ट क्लास का होता है ट्रेन का टिकट, और एक मिनट के कारण ट्रेन छूट जाती है, सोचता है ओहो कितना गया। एक सेकंड की कीमत पूछनी है, तो उस व्यक्ति से पूछो जिसके सामने से गाड़ी आए, सन से निकल जाए, एक सेकंड के लिए बच गया हो। और एक सेकंड के 10वें भाग की कीमत पूछनी है, तो ओलंपिक के उस खिलाड़ी से पूछिए जो 4 साल मेहनत किया लेकिन 1 सेकंड के 10वें भाग से गोल्ड मेडल से चूक गया। 4 साल से बेचारा रात दिन दौड़, 1 सेकंड के 10वें भाग की कीमत पूछिए उसे। और 1 सेकंड के 100वें भाग की कीमत किसे पूछो? हम राजयोगियों से, जिनका 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। हमारा ये समय जो जा रहा है वापस नहीं आने वाला है। कल्प कल्प की बाजी है, जिसने अभी नहीं किया हमेशा हमेशा के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए, कुछ भी हो जाए दोबारा ये पल नहीं मिल सकते हैं। गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, इसलिए जो करना है आज करना है, आज ही नहीं अभी करना है। यहीं से यहीं बैठ के स्वराज अधिकारी बने, यहीं ठान ले, संकल्प करें, जो भी हमारे दिनचर्या में जहां भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है तो वेस्ट क्या करेंगे भाई आप, लेकिन वेस्ट करने वालों को टाइम बहुत मिल जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कोई और नहीं कहेगा, आपको स्वतः अपने आप को जगाना होगा। अगर आप न जगे
फिर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे, काल के अनंत गाल में समा जाएंगे, दोबारा ये दिन नहीं आएंगे। स्वयं करतार ने, नियति ने निश्चित कर दिया है, भगवान आ गया है। ओम शांति।